बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है इंजन को। तो आज मैं चला रहा हूँ होंडा WRV और ये है पेट्रोल वेरिएंट। और कैसा है ये चलाने में और क्या इसकी खूबियाँ हैं और क्या इसकी कमियाँ हैं, दोनों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट SUV है या फिर क्रॉसओवर, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एक क्रॉसओवर है। हालांकि इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये थोड़ी बहुत कॉम्पैक्ट SUV सी लगती है। बहुत लोग कंपेयर भी करते हैं इसको फोर्ड इकोस्पोर्ट के साथ, नेक्सोन के साथ, लेकिन उनके कंपेरिजन की ये नहीं है। ये जैज के प्लेटफॉर्म में बनी हुई है। जैज एक प्रॉपर हैचबैक है। तो क्यों इस गाड़ी को लोग कॉम्पैक्ट SUV की तरह लेते हैं? क्योंकि तो गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, बड़े बड़े टायर हैं, देखने में भी लगती है कि ये कॉम्पैक्ट SUV है। और जो इसका सीटिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा होके बैठते हो आप इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे लगता है कि ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट SUV है, जबकि ये है नहीं। और अगर बात करें इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, जो कि है 188 mm, ना तो ये SUV जैसा है और ना ही हैचबैक जैसा, क्योंकि ये एक क्रॉसओवर है। और इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात है इसका इंटीरियर स्पेस। आगे की सीटें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, पीछे की सीट में आपको अच्छा खासा लेगरूम मिल जाता है, गाड़ी अंदर से खुली खुली सी आपको महसूस होगी। और बात करें स्टोरेज की, चारों दरवाजों में आपको एक एक लीटर की बोतल रखने की जगह मिलती है। और साथ ही इसका जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है 363 लीटर का। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फीचर्स की। फीचर्स इसमें हैं भी और नहीं भी, सनरूफ जैसा प्रीमियम फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, लेकिन जो बेसिक फीचर्स है जैसे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले और प्रोजेक्टर हैंडलैम्प जैसे फीचर आपको इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं। और पेट्रोल के ग्राहकों के साथ होंडा ने पता नहीं क्यों भेदभाव किया है। इस गाड़ी में आपको ना तो क्रूज कंट्रोल मिलेगा और ना ही पुश स्टार्ट बटन। तो बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले पेट्रोल इंजन की, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1200cc का IVTEC इंजन है, जो 89 BHP की पावर तो निकालता है लेकिन सिर्फ 110 Nm का टॉर्क, जो कि इतनी भारी भरकम गाड़ी में सफिशेंट नहीं है। इस इंजन का बॉटम एंड काफ़ी वीक है। 4000 RPM के बाद इसका रिस्पांस और अच्छा हो जाता है और आपको चलाने में थोड़ा मज़ा आता है इस गाड़ी को। सबसे बड़ी बात, आप इस गाड़ी को अगर हाईवे में चलाएंगे या फिर हिल में चलाएंगे तो बार बार आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सी गाड़ियों में ये दरवाज़ा ऐसे छोड़ने पे बंद हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता, इसको ज़ोर से धक्का देके बंद करना पड़ता है। तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं। और मैं जब इसका दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ तो मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, ये आराम से बंद नहीं होता। और सबसे अच्छी और सबसे प्यारी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है केबिन के अंदर। अगर आप ढूंढना चाहो, सुनना चाहो, मैं ऐसे सराउंडिंग में हूँ जहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे इंजन की साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और ना स्टीयरिंग में, बहुत ही रिफाइंड इंजन है पेट्रोल वाला। और चला के देखते हैं चलाने में ये कैसा है। हालांकि गाड़ी का वेट कुछ 1100 किलो के आसपास है, देखते हैं ये इंजन इस गाड़ी में कैसा परफॉर्म कर पाता है। और मैं जस्ट इसका कैमरा देखना चाह रहा था, और सिर्फ इसकी लाइनें स्ट्रेट रहती है, ये आपको गाइड नहीं करती है आपकी स्टीयरिंग को। अगर इसका कंपैरिजन करा जाए नेक्सोन से, वैसे करना तो नहीं चाहिए, नेक्सोन में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, इकोस्पोर्ट के इंजन से कंपेयर करा जाए वो 1.5 लीटर का है, तो उनके सामने इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम है। होंडा के पास 1.5 लीटर का इंजन भी था पेट्रोल, जो होंडा सिटी में देते हैं,
उसको भी इसमें यूज कर सकते थे। 89 bhp की पावर है और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है, वो भी 4800 rpm पे। यानी कि आपको रेव ज़्यादा करना पड़ेगा अगर इस गाड़ी से पिकअप चाहिए थोड़ा बहुत, और वाकई में पिकअप इस गाड़ी का बहुत कम है। तो हाईवे में इसकी परफॉर्मेंस अभी चेक करते हैं, अभी जाते हैं खुली रोड में, फिर वहाँ दौड़ा के इसको देखेंगे। तो अभी बिल्कुल 10 की स्पीड है और थर्ड गियर है, इंजन वाइब्रेट नहीं कर रहा है, गाड़ी उठ जा रही है आसानी से। अगर मैं एक बात बोलूं, अगर आप होंडा कार लवर हैं, आपके पास ब्रियो है, बुरा मत मानना, इससे अच्छी परफॉर्मेंस एक नॉर्मल हैचबैक की होती है। तो ब्रेकर में कैसा एहसास दिलाती है गाड़ी देख लेते हैं। सस्पेंशन अच्छा है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, इसको आप वेल बैलेंस कह सकते हैं सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बीच का। ये वही मार खा रही है, अभी मैं इसको एक्सेलरेट करने की सोच रहा हूँ, काफ़ी देर में रिस्पॉन्स आ रहा है इंजन का। तो बात करते हैं रिफाइनमेंट लेवल की, इंजन रिफाइनमेंट की, काफ़ी रिफाइन इंजन है, उसके लिए दाद देनी पड़ेगी होंडा को। और दूसरी चीज़ इंसुलेशन, बाहर की नॉइस बहुत कम आ रही है, टायरों की आ रही है हल्की हल्की सी। और एनवीएच लेवल आप कह सकते हो गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं खींचने की कोशिश करता हूँ इस गाड़ी को, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बहुत देर में 100 क्रॉस करा, आगे थोड़े से गड्ढे हैं, वहां पर मैं देखता हूं कि ये कैसे चलती है। हालांकि जो स्टीयरिंग है इस गाड़ी का, हाई स्पीड में भी थोड़ा सा लाइट है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा ना हार्ड होना चाहिए था, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइट हो जा रहा है अच्छी खासी स्पीड में भी। तो कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज 17 point something का, और यहाँ पर मैं MID में देख पा रहा हूँ 1465 की ट्रिप है और 16.6 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पर माइलेज शो कर रही है, यानी कि माइलेज अच्छा खासा है इस गाड़ी का। अब आप देख सकते हैं कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं यहाँ पर एक्सेलेटर का, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। जो 1.5 लीटर का होंडा सिटी में इंजन आता है वो वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है इस गाड़ी में होंडा सिटी वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होना चाहिए था, जिस हिसाब से इस गाड़ी का वेट है। अगर माइलेज को माइंड में रखते हुए इस गाड़ी में ये इंजन दिया हुआ है, तो मैं एक बात बता दूं, होंडा सिटी वाले इंजन का भी अच्छा खासा माइलेज है, वो भी आपको 14-15 का माइलेज आराम से दे देती है अगर आप ठीक तरीके से गाड़ी चलाते हैं। तो राइड क्वालिटी की मैं बात कर रहा था, राइड क्वालिटी अच्छी खासी है इस गाड़ी की, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, अच्छा बैलेंस है। और मुझे अच्छी बातों में से एक बात इसकी ये लगी, इसका जो रियर सीट स्पेस है काफ़ी अच्छा है, बॉडी रोल बहुत कम है गाड़ी में, और हैंडलिंग भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा ना स्टीयरिंग जो है हार्ड होना चाहिए था तेज स्पीड में। और अगर बात करें ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग भी अच्छी खासी है इस गाड़ी की, तो पॉजिटिव तो बहुत है इस गाड़ी के, देखने में बहुत अच्छी लगती है और एक प्रीमियमनेस है अंदर गाड़ी के अंदर। और क्वालिटी, इंटीरियर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्पेशियस है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर जो है इसका इंजन इसमें होंडा सिटी वाला होना चाहिए था, जो कि एक आपको एक अच्छा माइलेज के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी दे पाता। और जो इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वही पुराना, इसमें ना तो एंड्रॉयड ऑटो है ना ही एप्पल कार प्ले है। हट जाओ यार। बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है इंजन को।
तो ये तो देखने को मिलता है, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां उसमें होती है, चाहे कितना भी आप देख लो। किसी में आपको स्पेस नहीं मिलेगा, किसी का इंजन अच्छा मिलेगा तो उसकी राइड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इंजन अच्छा होगा तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ये सारी चीज़ों के बीच में खेलती रहती है कंपनी, कोई ऐसी परफेक्ट कार नहीं निकालती है जिसमें कि सब कुछ परफेक्ट हो। हालांकि ऐसी कार बनाना काफ़ी मुश्किल है, और गाड़ी खरीदते वक्त ये ज़रूर पता होना चाहिए आपकी नीड क्या है, उस नीड के अकॉर्डिंग कौन सी गाड़ी आपके लिए फिट बैठ रही है, ये चीज़ मैटर करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और भारत माता की जय। मैं तब तक इसकी और धुलाई कर लेता हूँ।